हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और किचन विद सारिका में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप प्याज को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। ये ट्रिक्स मुझे मेरी मम्मी ने बताई है और ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है। प्याज को छीलना, काटना, खाना बनाते वक्त यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आप फटाफट खाना बनाना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को ज़रूर यूज़ करके देखें। बारिश के सीज़न में प्याज महंगे हो जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो जब भी आपको प्याज सस्ते में मिले तो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद कर आप इन तरीक़ों से स्टोर करके रख सकते हो। तो देखते हैं हमारी पहली ट्रिक क्या है। आपको प्याज लेना है और उसे बहुत ही पतला पतला स्लाइसेस में कट करना है। आपको बहुत ही महीन महीन कट करना है प्याज को और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसे कट करके रखना है। फिर उसे आपको हाथ से इस तरीके से क्रश करना है कि वो प्याज जो है वो अलग हो जाए। अब हमें इसे धूप में अच्छे से सुखाना है। आप इसे 2 से 3 दिन तक धूप दिखा सकते हो। अभी गर्मी का सीज़न है तो यही सही टाइम है, आप प्याज को बहुत अच्छे से सुखा सकते हो जिससे कि प्याज 1 साल तक बहुत अच्छे से आराम से स्टोर हो जाए। देखिए, इस तरीके से प्याज से एक खनक आनी चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्याज जो है वो अच्छे से सूख गई है। यहाँ पे मैंने पहले दिन जब प्याज रखी थी तो ये तभी नरम थी, मतलब 1 दिन की धूप से वो सूखती नहीं है। तो आपको दूसरे दिन भी उसे धूप में ऐसे ही रखना है जब तक कि प्याज बिल्कुल इस तरीके से प्याज में से खनक ना आए, आवाज़ ना आए, मतलब ये पूरी सूख चुकी है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 दिन तक प्याज को अच्छे से धूप में सुखा दें। बस ये याद रखिए कि प्याज को आपको स्टेनलेस स्टील की थाली में ही सुखाने के लिए धूप में रखना है, ना कि किसी कपड़े पे या कागज़। अब इस सूखी हुई प्याज को हमें एक कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेकर बहुत ही लाइटली भून लेना है। तो जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो प्याज को भूनते वक्त आपको 2 कलछियों का यूज़ करना है। 2 चम्मच को आप इस तरीके से यूज़ करके इस प्याज को चारों तरफ से अच्छे से भून लें। याद रखिए कि प्याज बिल्कुल भी जले ना, इसलिए आपको गैस की आंच को धीमा रखना है और इस तरीके से इस प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। धीरे धीरे फैलाते हुए रुक रुक के इस प्याज को हमें बिल्कुल सुनहरा होने तक क्रिस्पी कर लेना है। ये प्याज आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। आप बिरयानी में गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप पुलाव में यूज़ कर सकते हो, अंडा मसाला बनाने के लिए, और सारी सब्जियों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, बहुत ही हमारा प्याज बढ़िया इसमें कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी बन गया है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो आपको इसे एयरटाइट कंटेनर में इस तरीके से स्टोर करके रखना है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे तरीके में। इसमें भी आप सेम वही प्याज को आप आधे क्वांटिटी में आप उसको मिक्सी में चलाकर उसकी पाउडर बना के उसे स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से आप हाथों से इस प्याज को क्रश करेंगे तो ये टूटने लगता है। तो अभी हम इसमें से आधी प्याज को इस तरीके से मिक्सी में चलाकर पाउडर बना देंगे और आधी प्याज को वैसे ही स्टोर करके रखेंगे। तो बस ये आपकी फटाफट रोस्टेड अनियन पाउडर तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी आप कोई वेज या नॉन वेज ग्रेवी बनाने वाले हो तब आप इसे 2 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हो। बस इसके लम्स को इस तरीके से हाथों से क्रश करके हमें निकाल देना है। याद रखें कि आप जिस भी कंटेनर में इस पाउडर को स्टोर करने वाले हो
वो बिल्कुल क्लीन, ड्राई और एयर टाइट हो। आप जो भी स्पून इस पाउडर को निकालने के लिए यूज़ करने वाले हो वो भी बिल्कुल ड्राई और क्लीन हो, यानी इसका पानी के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये आपका रेडी टू कुक इंस्टेंट रोस्टेड अनियन पाउडर तैयार है, जो आप यूज़ करके फटाफट कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे तरीके पे, जिसके लिए मैंने खास अलग से और अनियन को स्लाइस करके 2 दिन धूप में सुखाया था। अब इसकी हम पाउडर बनाने वाले हैं। अब देखिए, इस तरीके में मैंने अनियन को रोस्ट नहीं किया है। पहले और दूसरे ट्रिक में मैंने अनियन को ड्राई सुखा के फिर उसे थोड़े से तेल में रोस्ट भी किया था, लेकिन इस पाउडर को हमने डायरेक्टली जो हमने सुखाया हुआ प्याज था उसको लेकर इसकी पाउडर बनाई है। अब हम इसे किसी बड़े से जार में स्टोर करके रखेंगे और थोड़ी क्वांटिटी हम छोटे जार में रखेंगे ताकि उसे बार बार खोलना ना पड़े। और ये हमारी पाउडर तैयार है। ये पाउडर भी आप आसानी से साल भर स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन आपको 2-3 महीने में एक बार किसी प्लेट में इस पाउडर को फैला के उसे 5 मिनट की धूप दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हो। अब ये आपकी पाउडर जो है वो तैयार है। आप किसी भी फिश करी में, सांभर में या ग्रेवी में, पनीर की सब्ज़ी में आप इस कच्चे अनियन की पाउडर को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर लिखना। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।